गुड मॉर्निंग क्लास. टुडे वी आर गोइंग टू डू द सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर द लास्ट सपर. ओके, पिछली बार हमने इसका हाफ पार्ट कर लिया था. नाउ वी आर गोइंग टू डू द अदर हाफ ऑफ द चैप्टर. ओके, सो क्लास ओपन अप योर बुक एंड गो टू द पेज नंबर 24. ओके, विल कंटिन्यू फ्रॉम दिस पेज. ओके, नाउ लेट अस स्टार्ट. व्हाइल जीसस वॉज टॉकिंग ही बिकेम वेरी सैड एंड सॉरोफुल एंड सेड वेरिली वेरिली आई से टू यू दैट वन ऑफ यू दैट आर ईटिंग विद मी शैल बिट्रे मी एंड गिव मी अप टू दोज हु विल किल मी. जब जो है जीसस खा रहे थे, उनका सफ़र लगा था. जैसे पिछली क्लास में मैं डिस्कस किया था कि वो एक मैन के पास गए थे जो जिसके पास एक घड़ा था. उससे पूछा था, उसने कमरा दिया था जहाँ पे उन्होंने जाके अपना डिनर रेडी किया था, राइट. तो जब वो वहाँ पे खा रहे हैं जीसस, वो एकदम से बहुत सैड हो गए. ठीक, बहुत सैड हो गए और कहने लगे वेरीली वेरीली. वेरीली की आप यहाँ पर मीनिंग देखो एट द एंड ऑफ द पेज. वेरीली मीन्स रियली, really truly. I say to you, मैं आपसे कहता हूँ कि हम में से जो एक खा रहा है, हम सब यहाँ पे खा रहे हैं, ओके, हम में से जो एक कोई है हमारे ही बीच, वो मुझे मेरे एनिमीज़ को दे देगा, ठीक है, और वो मेरे एनिमीज़ मुझे मार देंगे. ठीक, क्योंकि जीसस तो पहले से जानते थे कि जूडास जो है वो उनको उनके एनिमीज़ को दे देंगे, उन्हें पता था. Then one of the disciples looked round on each other, wondering who was the one that Jesus meant. One said, and another said, "Am I the one, Lord?" अब disciples confused हो गए कि ये Jesus किसके बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें तो नहीं पता कि कौन है उनके बीच में traitor. तो सब एक दूसरे को देखने लगे and there was a little bit of confusion. फिर सब एक एक करके पूछने लगे जीसस से कि एम आई द वन लॉर्ड, क्या वो मैं तो नहीं हूँ. व्हाइल जीसस वॉज स्पीकिंग साइमन पीटर मेड साइंस टू जॉन अक्रॉस द टेबल दैट ही लीनिंग नेक्स्ट टू जीसस शुड आस्क हिम हु दिस ट्रेटर वॉज. सो जॉन विस्पर्ड टू जीसस एज ही वॉज लाइंग क्लोज टू हिम, लॉर्ड हु इज इट. अब जब जीसस बात कर रहे थे तो उनके जस्ट ऑपोजिट साइमन पीटर बैठे हुए थे. ओके, साइमन पीटर ने जीसस के जो नेक्स्ट बैठे हुए हैं उनको साइंस किया, इशारे में बात की कि जॉन आप जो है ज़रा एक बार पूछो जीसस से. ओके, विस्पर करो, आहिस्ते से पूछो कि हु इज़ द वन दैट यू आर टॉकिंग अबाउट, वो कौन आदमी है. ठीक, उसके बाद जॉन ने जीसस के ईयर में विस्पर किया कि आप मुझे बताओ कौन है वो, लॉर्ड हु इज इट. जीसस आंसर्ड बट सो लो दैट नो वन एल्स हर्ड, इट इज़ द वन टू हुम आई विल गिव अ पीस ऑफ ब्रेड आफ्टर आई हैव डिप्ड इट इन द डिश. ओके, जीसस ने जॉन को कहा, लेकिन वो इतने धीमे बोला, इतने आहिस्ते से उन्होंने कहा कि कोई और जॉन के अलावा उनकी बात नहीं सुन पाया. ठीक है, उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा मैं जो ब्रेड खा रहा हूँ मैं उसका पीस उस आदमी को तोड़ के दूंगा आफ्टर आई हैव डिप इट इन द डिश, डिश में डिप करने के बाद मैं उसको वो ब्रेड दूंगा. ठीक है, तो आप समझ जाना कि यही है वो ट्रेटर. ओके, देन जीसस डिप्ड इन टू द डिश अ पीस ऑफ ब्रेड एंड गेव इट टू जूडास इस्कैरियोट हु वॉज लाइंग नियर हिम and as he gave it he said do quickly what you are going to do. ठीक है, now जीसस ने क्या किया, ब्रेड को डिप किया डिश में. ठीक है, और किसको दिया, जूडास को. ठीक, क्योंकि जूडा वॉज द ट्रेटर. ओके, जूडास को उन्होंने दिया जो कि उनके नेक्स्ट बैठे हुए थे. एंड जब उन्होंने दिया तो उन्होंने जूडास से कहा जो तुम करने जा रहे हो वो तुम जल्दी करो. ठीक,
अब जॉन को तो समझ में आ गया कि जुडास ही वो ट्रेटर है। ठीक, नो वन एक्सेप्ट जॉन न्यू व्हाट दिस मेंट। नॉट ऑल हर्ड व्हाट जीसस सेड टू जुडास, एंड दोज हु हर्ड थॉट दैट जीसस वॉज टेलिंग हिम टू डू समथिंग बिलोंगिंग टू द फीस्ट, और परहैप्स एज जुडास कैरीड द मनी दैट ही शुड मेक सम गिफ्ट टू द पुअर। ठीक है, अब हर कोई तो नहीं सुन पाया जीसस ने क्या कहा जुडास को, और जिन्होंने सुना था उन्होंने सोचा कि ये जो काम कह रहे हैं कि आप जल्दी करो, जो भी आपको काम करना है वो आप करो और वो जल्दी करो, उन्होंने कहा जीसस ने जुडास से। जिन्होंने ये बात सुनी उन्होंने सोचा कि जीसस को किसी और टॉपिक पे बात कर रहे हैं, जैसे समथिंग रिलेटेड टू द फीस्ट, कुछ फीस से रिलेटेड बात कर रहे हैं या कुछ मनी से रिलेटेड बात कर रहे हैं, बिकॉज सारे मनी जो मनी का डिपॉजिशन जुडास के ही पास था। तो उन्होंने सोचा मे बी ही इज़ टॉकिंग अबाउट द मनी और अबाउट द फीस्ट। ठीक, बट जुडास एट वंस वेंट आउट, for he saw now that his plan was known and it must be carried out now or never. मगर जुडास समझ गया कि जीसस को उनकी नीयत समझ में आ गई है। ठीक है, तो वो उठा और बाहर चला गया। ठीक है, और उसको समझ में आ गया कि उसका प्लान समझ में आ गया है जीसस को। ठीक, तो वो बाहर गया और उसने सोचा कि उसका जो प्लान है अभी ही को कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक, ही न्यू दैट आफ्टर द सफर जीसस वुड गो बैक टू बेथानी एंड ही वेंट टू द रूलर्स, टोल्ड देम वेयर दे माइट वॉच फॉर जीसस ऑन हिज वे बैक टू बेथानी एंड वेंट विद अ बैंड ऑफ मेन टू अ प्लेस एट द फुट ऑफ द माउंट ऑफ ऑलिव्स वेयर ही वाज श्योर जीसस वुड पास। ठीक है, जुडास उठा वहाँ से। ठीक है, और उसको पता था जीसस सपर के बाद जाएंगे बेथानी। नाउ एट द एंड ऑफ द पेज यू कैन सी सपर मींस डिनर। ठीक, तो उसे पता था जुडास को कि जीसस डिनर के बाद बेथानी जाएंगे। ठीक, तो जुडास भागता हो गया रूलर्स के पास जो एनिमीज थे जीसस के, और उनको बताया कि आप इस जगह पे आप उसको वॉच करो जीसस को, यहाँ से ही गुजरेंगे जीसस। ठीक, इस रास्ते से जीसस गुजरेंगे और आप यहाँ पे अपने बैंड ऑफ मैन कई सारे ग्रुप ऑफ मैन को यहाँ पे ले आओ और यहाँ पे ही आप वेट करो एट द फुट ऑफ माउंट ऑफ ऑलिव्स, यहाँ से जीसस गुजरेंगे। ठीक, यहाँ पे वो श्योर था कि जीसस यहाँ से ज़रूर पास होंगे। एज सून एज जुडास हैड गॉन आउट जीसस सेड टू द 11 डिसाइपल्स, लिटिल चिल्ड्रन, I shall be with you only a little while. I am going away, and where I go, you cannot come now. But when I am gone away from you, remember this new commandment that I give you, that you love one another even as I have loved you. ठीक, जब जुडास चले गए तो जीसस ने अपने 11 डिसाइपल से बात किया, उनसे कहा मेरे बच्चों मैं आप लोगों के साथ बस कुछ ही टाइम के लिए रहूँगा और मैं जा रहा हूँ, और मैं जहाँ जा रहा हूँ वहाँ आप लोग नहीं आ सकते हो। ठीक, मगर जब मैं चला जाऊँगा, जो मैंने आपको अभी एक नई सीख दिया था, नया कमांडमेंट दिया था। नाउ लुक एट द एंड ऑफ द पेज फॉर द मीनिंग ऑफ कमांडमेंट। कमांडमेंट मीन्स अ रूल टू बी स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व्ड। ठीक, मैंने अभी आपको एक रूल सिखाया था तो आपको उसी के अकॉर्डिंग चलना होगा। ठीक, और वो क्या रूल था कि आप एक दूसरे से प्यार करो, एक दूसरे से मोहब्बत करो। ओके, जैसे मैंने आप सबको प्यार किया था। ठीक, लास्ट चैप्टर में हमने देखा था कि जीसस अपने डिसाइपल्स के पैर धो रहे थे। ठीक, और उन्होंने कहा था कि आई एम सुपीरियर देन यू, यू थिंक मी ऑफ एज मी एज योर मास्टर, आप मुझे अपने मास्टर की तरह देखते हो, उसके बावजूद मैंने आप लोगों के पैर धोए। ठीक, इसी तरह आपको आपस में मोहब्बत एंड प्यार में रहना चाहिए। तो ये उन्होंने लास्ट कमांडमेंट दिया था, लास्ट रूल दिया था कि आप सबको भी एक दूसरे से ऐसे ही प्यार मोहब्बत से रहना चाहिए। ठीक, तो उन्होंने यही कहा कि जो मैंने अभी आपको रूल बताया उसी के अकॉर्डिंग आपको रहना है। ओके,
Peter said to him, Lord, what cannot I follow you even now? I will lay down my life for your sake. ठीक, पीटर ने कहा, क्या मैं अभी भी आपको फॉलो नहीं कर सकता हूँ? अगर मैं नहीं कर सकता, मैं अपनी लाइफ दे दूँगा आपके लिए. ओके, पीटर लव्ड जीसस वेरी मच. जीसस सेड, विल यू ले डाउन योर लाइफ फॉर मी? आई टेल यू पीटर, दैट बिफोर द कॉक क्रोस टुमारो मॉर्निंग यू विल 3 times डिनाई दैट यू हैव एवर नोन मी. जीसस ने कहा, क्या कहा? उन्होंने कहा कि तुम मेरे लिए अपनी लाइफ दोगे, मगर जो मुझे पता है, क्योंकि जीसस को कई सारी बात पता थी जो उनके डिसाइपल्स को नहीं पता थी. पीटर से कहा कि कल जब कॉक क्रो करेगा, ठीक, जब मुर्गा बांग देगा, टुमारो मॉर्निंग तुम खुद बोलोगे कि आई डोंट नो जीसस. 3 times यू विल से दैट. ओके, कि मैंने कभी भी जीसस को नहीं जाना. यू 3 times नाइ दैट यू हैव एवर नोन मी. बट पीटर सेड, दो आई डाई आई विल नेवर डिनाई यू लॉर्ड. मगर पीटर ने कहा, मैं मर जाऊँगा पर मैं आपको कभी डिनाई नहीं करूँगा. एंड सो सेड ऑल द डिसाइपल्स. और ऐसे ही सारे डिसाइपल्स ने कहा. बट जीसस सेड टू देम, बिफोर मॉर्निंग कम्स एवरी वन ऑफ यू विल लीव मी अलोन, येट आई विल नॉट बी अलोन फॉर द फादर विल बी विद मी. जीसस ने उन सबसे कहा, बिफोर मॉर्निंग कम्स, कल के मॉर्निंग आने से पहले तुम में से हर कोई मुझे छोड़ के चला जाएगा, मगर मैं अकेला नहीं हूँगा, क्योंकि मेरे साथ मेरे फादर होंगे. ओके, जीसस सॉ दैट पीटर एंड ऑल हिज डिसाइपल वर फुल ऑफ सोरो एट हिज वर्ड्स एंड ही सेड, लेट नॉट योर हार्ट्स बी ट्रबल्ड, ये बिलीव इन गॉड, बिलीव ऑल्सो इन मी. इन माई फादर्स हाउस आर मैनी हाउसेज, इफ इट वर नॉट सो आई वुड हैव टोल्ड यू, फॉर आई एम गोइंग टू मेक रेडी अ प्लेस फॉर यू, एंड वेन इट इज़ रेडी आई विल कम अगेन एंड टेक यू टू माई सेल्फ, दैट वेन आई एम देर यू मे बी ऑल्सो. ठीक, अब जीसस ने देखा कि उनके इस बात पे कि आप लोग मुझे डिनाई कर दोगे, आप लोग मुझे छोड़ के चले जाओगे, उससे उनके डिसाइपल्स और पीटर सब कोई बहुत सैड हो गए. ठीक, तो उन्होंने उनको देखने के बाद कि वो लोग बहुत सैड हो रहे हैं, उन्होंने कहा अपने डिसाइपल से कि मैं जा रहा हूँ, आप लोग परेशान मत हो. ठीक, आप गॉड में बिलीव करते हो और आप मुझ में भी बिलीव करते हो. ठीक, मैं गॉड के हाउस में जा रहा हूँ. ठीक, और जो है वहाँ पे बहुत सारे हाउसेस हैं. ओके, मैंने आप सबको बता दिया है कि मैं अपने हाउस जा रहा हूँ, तो अपने गॉड के हाउस जा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत ढेर सारे हाउसेस हैं, और मैं तुम लोगों के लिए भी हाउस रेडी रखूँगा. ठीक, और जब वो रेडी हो जाएगा मैं वापस आऊँगा. ओके, मैं तुम सबको भी अपने साथ ले जाऊँगा और वहाँ पे तुम लोग मेरे साथ रहोगे. ओके, देन जीसस टॉक्ड विद द डिसाइपल्स अ लॉन्ग टाइम एंड प्रेड फॉर देम, एंड अबाउट midnight दे लेफ्ट द सपर रूम टुगेदर एंड केम टू द माउंट ऑफ ऑलिव्स. उसके बाद जीसस ने अपने डिसाइपल्स के साथ बहुत लंबी बातें करी, बहुत देर तक बात करी, उसके बाद उन लोगों के लिए प्रे किया. midnight के बाद वो लोग ने छोड़ दिया वो सपर रूम जहाँ पे वो डिनर कर रहे थे, वो लोग ने छोड़ दिया वाला रूम. उसके बाद दे वेंट टू द माउंट ऑफ ऑलिव्स. माउंट ऑफ ऑलिव्स पे कौन उनका वेट कर रहा था? माउंट ऑफ ऑलिव्स पे उनके एनिमीज वेट कर रहे थे, क्योंकि जूडास ने उनको इन्फॉर्म कर दिया था. ओके, सो दैट इज़ इट. दिस इज़ द एंड ऑफ द चैप्टर. आई विल गिव यू द एक्सरसाइजेस नाउ. ओके, I hope you have understand all of it. You have understood the chapter. If there is any doubt, you can message me. Okay? Goodbye, class.